बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राशिद अपडेट्स। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से अलाउंसेज की कटौती या वापसी की कोई तजवीज़ नहीं। वज़रा ने मालियाती बहरान का इम्कान मुस्तद कर दिया। हमने दर्शक वीडियो में आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेज में कटौती की खबरें दर्ज कर रही हैं और इस हवाले से एक तजवीज़ भी तैयार करते हुए ज़िला खैबर पख्तूनख्वा को अरसाल की गई थी और इस पर मुलाजमीन ने अपने शदीद रद्द अमल का इज़हार किया था। अब खैबर पख्तूनख्वा के निगरान ज़रिए इत्तला फिरोज़ जमाल ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से अलाउंसेज में कटौती या वापसी की फ़िलहाल कोई तजवीज़ नहीं। उन्होंने सूबे में मालियाती एमरजेंसी के नफाज के इम्कान को मुस्तद कर दिया और उम्मीद जाहिर की कि वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे ज़ेर तबा तमाम रकम वसूल करने के बाद सूबे की माली हालत बेहतर हो जाएगी। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर ख़ज़ाना अहमद रसूल मंगश ने कहा है कि सूबाई काबीना ने 4 माह के लिए 539.118 मिलियन रुपये के बजट की मंजूरी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि माली साल 2023-24 के लिए 8 माह के लिए मंजूर किए गए कुल अखराज 992.055 अरब रुपये हैं, जो पिछले साल के बजट के पहले 8 माह के 888 अरब रुपये के मुकाबले में 12% इजाफा को जाहिर करते हैं।